बैक टू माई चैनल मिस्टर सिस्टी ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हमारे यहाँ एक फंक्शन है फैमिली में, ननद लगती हैं उनकी, आज एंगेजमेंट है तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। एकदम सिंपल, एक तो इतनी गर्म हो रही है, गर्म में क्या पहने क्या हो रहा है, मतलब सिंपल तरीके से तैयार हो गए, ज़्यादा कुछ पहना ओढ़ा नहीं, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, तो ये सिंपल साड़ी पहन ली हमने, मीशो से मंगाई थी। तो आप लोग देख के बताइए कैसी लग रही है। अरे मेरे बाबू जाने के लिए बोल रहे थे, तो अभी बस एक घंटे में वापस आ जाएंगे, क्या लेके जाएं, वहाँ परेशान भी कर लेंगी। नीचे का बॉर्डर दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, फिर वही मिलते हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरे बाबू बीच में आ रही थी ना, डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं और मुस्कान जा रहे हैं, तो जहाँ फंक्शन था हम लोग पहुँच गए हैं। और ये है टेंपो स्टैंड पे बना हुआ है, ये गेस्ट हाउस है, पंकज गेस्ट हाउस। हमें कोई ख़ास अच्छा नहीं था, पर ठीक था, क्योंकि ना उन्होंने अर्जेंट अरेंजमेंट किया था, तो उसके हिसाब से सही था। और ये हम लोग जैसे गए तो वहाँ पे बहुत गर्म हो रही थी, तो खिड़की के किनारे कूलर चल रहा था, तो हम लोग वहीं पर बैठ गए। और यहीं पर भी इंगेजमेंट होगी, हम लोगों ने यहीं पर बैठ के नाश्ता किया। और छत पे प्रोग्राम हो रहा था, वो जो छिपना होता है जिसको हम लोग रोकर की रस्म बोलते हैं, तो हम लोग गाँव में तो छिपना बोलते हैं। तो पहले वो बोले, देखो मेरी दीदी खड़ी है, हम खड़े हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। हम यहाँ से 7:30 बजे निकले थे, वहाँ पर 7:30 बजे पहुँच गए, तो वहाँ पर हमको आते आते 9:30 बजे यहाँ नाच लगाने किया, फिर चलिए फिर स्टेज पर देखने लगी। और लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे ससुराल के लोग बैठे हुए हैं, ऊपर का कार्यक्रम सब हो चुका है, तो नीचे वाला बाकी जो एंगेजमेंट सेरेमनी होती है वही किसी भी लड़की को लेके आ रहे हैं। ये जो ग्रीन साड़ी में दिख रही है, जैसे पेपर कलर की साड़ी उनकी बेटी है, हमारी चाची लगती हैं, और जो बेटी हैं उनकी मेहनत लगती हैं, सामने खड़ी ये भी चाची लगती हैं। तो ये देखो, आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारी मेहनत रानी उनकी एंगेजमेंट थी। फिर हम यहीं तक देखे, फिर उसके बाद चले आए, कि ज़्यादा हमें टाइम नहीं था, क्योंकि 9:30 बज गए थे। तो घर से अकेले आते इधर थे, डर भी लगता है ना जब सुबह से, क्योंकि हम मुस्कान ही गए थे, नहीं था इनके पापा भी नहीं गए थे, रोटी भी होते तो हमसे बोले तो चले जाओ, हम लोग गए चले आए। इसके आगे का प्रोग्राम नहीं देख पाए थे, बस यहीं तक का देखे थे। आप लोग हमें बताना कि वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो। फिर हम लोग घर पे आ गए तो फिर यहाँ पे खाना हो रहा था, जिनके पापा खाना खा रहे थे, और हमसे बोले तुम लोग खाना खा के क्यों नहीं आए, तो हम लोग ने बोला कि खाना भी स्टार्ट नहीं था, देर हो रही थी, तो ये खाना खा रहे हैं, तो मैं इनके लिए आम तब तक कट कर दे रही हूँ। मुस्कान तो कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैंने नहीं किए थे, तो मैं बाद में कर लूँगी। देखो है भी नाश्ता कर लिया, फिर खाना खाने का मन भी नहीं करता, थोड़ा सा दाल चावल खाने का मन कर रहा था, तो घर पे आते हम लोग थोड़ा दाल चावल खाए, फिर सो गए। ये देखो आम कट किया है, आइए आप लोग आम भी खा लीजिए सभी लोग। ये
देखो बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी, तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम यहाँ आंगन में बैठे हैं, हल्की फुल्की हवा लग रही है। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। देखो कितने दिन बाद आता है क्योंकि जल्दी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।